आज आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस तरीके का फ्रैक्शन है 1/√2। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो डेनोमिनेटर जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। डेनोमिनेटर क्या है बच्चों, एक इरेशनल इरेशनल नंबर। है। तो डेनोमिनेटर जो इरेशनल नंबर है इसे हमें रैशनल बनाना है डेनोमिनेटर को, तो ऑब्वियसली किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1/√2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रैशनल बन जाएगा, ठीक है। √2 और √2 क्या होता है, मल्टीप्लाई करके रैशनल हो जाता है। बट हम जी ऐसे सर, खाली डेनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि अगर न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसके लिए फिर मल्टीप्लाई करने के बाद √2 से, जैसे मल्टीप्लाई मान लो हमने कर दिया 1/√2 में, √2 से न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई। हाँ, सर आप एक और बार सर रिपीट कर सकते? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। रैशनलाइजेशन कर रहे हैं बेटा, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ओके सर, 1/√2 को न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान रहे इस बात का। और ये भी ध्यान रहे कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि डेनोमिनेटर जो है वो रैशनल बन जाए। तो देखो क्या होगा, 1/√2 को √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में तो 1 × √2 √2 आ जाएगा, और डेनोमिनेटर में √2 × √2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि डेनोमिनेटर जो है अब क्या बन गया है, ये डेनोमिनेटर जो अब है अब क्या हो गया है, ये रैशनल नंबर। रैशनल हो, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर हो गया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। क्या प्रोसेस भाई, कि हमने √2 से न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, तो ये जो प्रोसेस था मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में, ये प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। बात यस समझ में सर, आई सर? ठीक यस है। सर। ऐसे ही मान लो कि अगर मान लो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 और डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है √3 और हमें इसमें रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को, है ना। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये हुआ, आपसे ये कहा जा रहा है करने के लिए कि ये जो डेनोमिनेटर है इसको रैशनल बनाओ, रैशनल बनाओ इसको √3 से, इसको रैशनल बनाओ। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमें पता है कि वो रैशनल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए √3 से यस ऊपर सर, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√3/3। अब डेनोमिनेटर क्या बन गया, 3, जो कि एक रैशनल नंबर है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यही प्रोसेस जो ये √3/√3 से मल्टीप्लाई जो किया है इसी को कहा जाता है रैशनलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस के बाद होता क्या है कि डेनोमिनेटर जो पहले इरेशनल था, डेनोमिनेटर जो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो इरेशनल नंबर था, वो अब क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये यही रैशनलाइजेशन है और यही हम लोग सीखेंगे कैसे रैशनलाइज करते हैं। अब एक बात देखो, ऑलवेज ये इसी तरीके का आपको डेनोमिनेटर नहीं देगा, कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी दे देगा, जैसे कि 1/√2 + √3 दे देगा, ठीक है। अब कहा जाता है रैशनलाइज करो, तो अभी भी ये जो डेनोमिनेटर है ये क्या है, ये जो डेनोमिनेटर है अभी भी डेनोमिनेटर आपका इरेशनल ही है, ठीक है। डेनोमिनेटर अभी भी आपका इरेशनल ही है, इसको हमें रैशनल करना है, इस डेनोमिनेटर को रैशनल करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ये रैशनल कब बनेगा, 2 + √3 कब रैशनल, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो सभी बच्चे, ठीक है।
2+√3, ये डिनोमिनेटर क्या है बेटा, 2+√3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, और हमें इसको रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि 2+√3 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि ये रैशनल बन जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा, 2-√3। बात समझ में आई सबको? 2+√3 यस को 2-√3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2+√3 को 2-√3 से मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले से क्या हो जाता है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा था बेटा, याद करो, रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 2+√3 एक इरेशनल नंबर था और 2-√3 एक वो भी रैशनल नंबर है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनल हो जाएगा। तो यही यही समझना है हमें कि अब इसके डिनोमिनेटर को, ये जो क्वेश्चन ओरिजिनली दिया गया था आपको 1/2+√3, देखो ध्यान से, 1/2+√3 इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। क्वेश्चन ये है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2+√3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि 1/2+√3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2-√3 से न्यूमरेटर में भी, और 2-√3 से डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2-√3 से ही क्यों किया, क्योंकि 2-√3 और 2+√3 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो एक रैशनल नंबर आता है, ठीक है। 2+√3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनल हो जाएगा, तो 2-√3 मल्टीप्लाई करने पे रैशनल हो जाएगा। हालांकि और भी नंबर्स हो सकते हैं, अच्छा लेकिन सबसे सिंपल नंबर जो आप सोच सकते हो रैशनल बनाने के लिए 2+√3 को, वो है 2-√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका यस और इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में देखो क्या है, यहाँ 1 है और ये 2+√3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 2-√3 है, सॉरी 2-√3 आएगा। और डिनोमिनेटर में बात करें तो 2+√3 और 2-√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2² - √3 का स्क्वायर। ये समझ रहे हो सभी बच्चे? यस सर क्या यस आ सर जाएगा, 2-√3/1। तो 2-√3/1 को हम 2-√3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वैल्यू थी, हाँ ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बच्चों, आप देख पा रहे होगे, ये जो ग्रीन कलर में है ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये ग्रीन कलर में जो वैल्यू है दूसरी वैल्यू, ये दोनों बराबर है, ये दोनों वैल्यूज सेम ही है, ठीक है। मतलब 1/2+√3 को 1/2+√3 को हम 2-√3 के इक्वल लिख सकते हैं, बराबर ही तो है। तो इससे हुआ क्या कि ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पर आया है 2 1, जो डिनोमिनेटर आया है वो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर जो है वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल था नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है ओरिजिनली, इसमें हम टू अच्छा प्लस रूट थ्री की बात करें, 2+√3 क्या था, इरेशनल था। समझ रहे हो बेटा सभी बच्चे, इरेशनल नंबर था, यस सर हाँ इरेशनल था, लेकिन हमने इसको क्या किया, डेनोमिनेटर को रैशनल कर दिया। ये दोनों वैल्यूज अभी भी इरेशनल ही हैं। 1/ एक एक इरेशनल नंबर को हम किसी भी तरीके से रैशनल नहीं कर सकते हैं, एक इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है इरेशनल नंबर, तो उसके डेनोमिनेटर को हम रैशनल बना सकते हैं सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसा कि यहां पर हमने अभी किया था, ठीक है। डेनोमिनेटर इसका इरेशनल है, तो उसको हमने, डेनोमिनेटर को हमने रैशनल नंबर जो कि 1 होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया था हमने, कैसे, 2-√3 से न्यूमरेटर में भी और 2-√3 से डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करके। ये तरीका था, ये ट्रिक था इसके अंदर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बेसिक ट्रिक क्या होता है, एक दो चीजें और भी समझ लो इसमें, कि रैशनलाइजेशन जब हम करते हैं, जब भी आप रैशनलाइजेशन करते हो तो रैशनलाइजेशन के लिए, रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन होता है इरेशनल नंबर को रैशनल करना है, डेनोमिनेटर को हमें एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना होता है,
ठीक है, डिनोमिनेटर को। तो अब देखो, जैसे 2 + √3 है, 2 + √3 और 2 - √3 आर कंजुगेट पेयर्स, कंजुगेट पेयर्स। इसको क्या बुलाते हैं, इन दोनों को क्या बुलाते हैं, कंजुगेट पेयर। ये दोनों एक जैसा ही दिखते हैं ना, पेयर दिखते हैं, पेयर मतलब एक जैसा दिख रहे हैं ये एक तरीके से, क्योंकि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है सिवाय इस प्लस और माइनस साइन के। ये जो प्लस और माइनस का साइन है, इसके अलावे ये दोनों नंबर्स एक जैसे नंबर्स ही हैं, और दोनों ही नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। 2 + √3 भी एक इरेशनल नंबर है, 2 - √3 भी दूसरा इरेशनल नंबर है, और इन दोनों को कंजुगेट पेयर कहा जाता है। ठीक है, 2 + √3 का कंजुगेट पेयर 2 - √3 है, एंड 2 - √3 का कंजुगेट पेयर 2 + √3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी आपको फ्रैक्शन में, डेनोमिनेटर में अगर 2 + √3 को ये लिखा हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 - √3 और ये, सॉरी, 2 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। कहीं पर आपको अगर ये नहीं दे करके ऐसे दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है रैशनलाइज करो, तो इसको आप क्या करोगे, 2 + √3 से न्यूमरेटर में और 2 + √3 से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। डिनोमिनेटर 2 - √3 अगर है तो 2 + √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 + √3 है, 2 + √3 है, तो ये 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यही होती है कंजुगेट के पेयर्स की खास बात। ठीक है, कंजुगेट पेयर में आपको यही ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ही देखें अगर, तो हम √5 + √2 है, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या हो जाएगा, √5 - √2। √5 - √2। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके दोनों कंजुगेट पेयर्स हैं। मतलब कि जब रैशनलाइजेशन की बारी आएगी, जब रैशनलाइजेशन की बात आएगी, तब अगर मान लो इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि रैशनलाइज करो, तो इसके लिए आपको कंजुगेट पेयर जो भी कंजुगेट पेयर होगा √5 - √2, जो कि √5 + √2 होता है, कंजुगेट पेयर √5 - √2 का, उससे न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये रैशनलाइज, डेनोमिनेटर जो है वो एक रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सर डिनोमिनेटर रैशनल। बोलो। सही, हर पेयर में होगा। ओके हाँ जी, हाँ जी। सर, अगर मान लो √5 + 3 है, √5 + 3 है, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, √5 - 3। √5 - 3 नहीं, √5 - 3 नहीं होगा, -√5 + 3 होगा। ठीक है, इसका कंजुगेट पेयर होता है। इसमें क्या खास बात है, देखो ध्यान से, जो रूट वाला साइन होता है ना, उसके साइन, उसका साइन चेंज होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + √5। ठीक है, √5 + 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 + √5। तो 3 + √5 का कंजुगेट क्या होता है, 3 - √5। ठीक है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होता है रूट जिसके साथ लगा होता है ना, उसका साइन। इरेशनल। हाँ, यहाँ पर तो खैर दोनों ही रैशनल थे, दोनों में ही रूट लगा हुआ था, तो दोनों में ही रूट लगा हुआ था तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन दोनों में अगर रूट ना लगा हुआ हो, तो ध्यान देने वाली बात है कि 3 + √5 है, तो 3 - √5 उसका कंजुगेट पेयर होगा। मतलब √5 + 3 है, तो उसका कंजुगेट पेयर 3 - √5 नहीं होगा। ठीक है, 3 - √5 नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही ये, हाँ, ये कंजुगेट पेयर्स होंगे। सेम लॉजिक से अगर मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ है √7 + 4, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या हो जाएगा, 4 - √7, है ना। रूट वाले साइन जो, ये रूट का साइन जो है ना, देख पा रहे हो आप, यहाँ पर रूट का ये वाला साइन चेंज यस होता सर। है। ये कंजुगेट पेयर होगा। ऐसे ही मान लो कि अगर -√3 + 2 है, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा सर, √3 + 2। 2 + √3 या 2 + √3 या रूट 2 + √3 या √3 + 2, एक ही बात है। आप 2 + √3 भी कह सकते हो या √3 + 2 भी कह सकते हो, तो ये होगा कंजुगेट पेयर। ठीक है, इसका साइन चेंज होता है, ये माइनस है अगर तो प्लस हो जाएगा बस। ये टू का साइन चेंज नहीं होता है, टू टू ही रहता है। देखो यहाँ पर भी 4 है तो 4 ही है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कंजुगेट पेयर्स कहलाते हैं, और कंजुगेट पेयर कहाँ काम आते हैं, जब आपको रैशनलाइजेशन करना होता है, तो कंजुगेट पेयर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो एक एग्जांपल से बताते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो एग्जांपल किया ही था।
देखो ये एक क्वेश्चन है, देखो यही कहा जा रहा है आपसे कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसे, देखो एक सेकंड देखो, इसका जो डेनोमिनेटर है ये लिखना नहीं है आपको, समझना है डेनोमिनेटर क्या है बच्चों। डेनोमिनेटर है इसका √3 - √5, ठीक है। हाँ तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा? √3 + √5। अच्छा सुनो एक बात ध्यान से सुनो, कंजुगेट पेयर को ही रैशनलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। कंजुगेट पेयर का एक और नाम है, वो है रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेट पेयर को ही क्या बोला जाता है, यस, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, कंजुगेट पेयर बोले रैशनलाइजिंग हाँ फैक्टर। एक ही बात है। तो मेरा आंसर ये क्या हो जाएगा, √3 + √5, क्या हो जाएगा, रूट रूट थ्री थ्री प्लस रूट फाइव रूट फाइव मतलब ये कि अब रूट थ्री प्लस रूट फाइव √3 + √5 से ही इसको रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि 5/5 में √3 - √5 है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें हमें √3 + √5 से न्यूमरेटर में भी और √3 + √5 से डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही रख देते हैं इसको, लेकिन डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये a - b और a+b बन रहा है ना। √3 2 3 - 5 और -√5 का, ठीक है। तो 5 times √3 + √5 ये आ गया, 5 √5 √5 upon 3 - 5। हाँ तो ये आ जाएगा 5 times √3 + √5 और डेनोमिनेटर में क्या आएगा, -2। अच्छा माइनस का साइन जो है ना वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो माइनस के साइन को न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर 2 है जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें यही करना था, डेनोमिनेटर को रैशनल बनाना था, डेनोमिनेटर को रैशनल बनाना था, तो रैशनल बना दिया हमने। जो पहले डेनोमिनेटर की बात करें तो पहले जो डेनोमिनेटर इनिशियली जो था क्वेश्चन में वो तो ये था, ये √3 - √5, और ये √3 - √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको हमने क्या किया, टू में यस कन्वर्ट कर दिया जो कि रैशनल नंबर है। इसमें यही करना था, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई आप इसको किसी तरीके से इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करो, इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करो, ठीक है। यही करने का मतलब होता है रैशनलाइज, और उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजुगेट पेयर से या फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर से यस मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, 1/√7 है इसका फर्स्ट पार्ट। 1/√7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √7 से, है ना। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया इसका, √7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7, ये क्या है बेटा, √7 ही है, ठीक है। मतलब √7 को क्या है ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो रैशनल हो जाए, तो वो √7 ही है। इसका मतलब ये √7 से ही इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ये √7/7 हो जाएगा। तो बन गया ना डेनोमिनेटर रैशनल, बन गया डेनोमिनेटर रैशनल हो गया, है कि नहीं। तो यही आपका आंसर है, डेनोमिनेटर रैशनल हो गया, तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर, यस सर। ओके।
सेकेंड पार्ट करो। माइक बंद कर लो। कई बच्चे माइक पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, माइक बंद कर लो। इसका माइक ऑन है भाई। सर वन सर रूट रूट 7 प्लस रूट 6 सर यस वेरी गुड। तो 1/√7 − √6 जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है बेटा वो होगा √7 + √6। तो √7 − √6 डिनोमिनेटर में है, √7 + √6 से क्या करेंगे इन दोनों को, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, वन को न्यूमरेटर में वन है और √7 + √6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर − √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, √7 का स्क्वायर होता है 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो ये आ जाएगा √7 + √6/1। ठीक है, तो ये बन गया ना डिनोमिनेटर जो है ये रैशनल बन गया। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है तो हो गया रैशनलाइज। ठीक है, हो गया रैशनलाइज। तो यही करना था, तो ये लिखना नहीं है आपको, ये मैं समझा रहा हूँ बस ऐसे। आई होप समझ में आया होगा। आया समझ में? यस सर ओके। ऐसे ही थर्ड पार्ट भी है और फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट करके बताओ क्या होगा। √7 + √2/9 अपॉन में 9। 9 कैसे होगा, अपॉन अपॉन में 5 होगा ना, अपॉन 9 होगा 5 होगा। होगा सर 9 देखो होगा ओके ठीक है, देखते हैं। देखो इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसका कंजुगेट क्या होगा, मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, −√7। √7 + 2 नहीं, √7 + 2 अभी अभी तो समझाया था ना। हाँ, तो −√7 − √2 यही अभी अभी समझाया था, फिर भी क्यों कह रहे हैं, कोई बच्चा अभी बोला कि √7 + 2 हो जाएगा। अभी अभी समझाया था ना कि नहीं होता ऐसा, रूट वाले का साइन चेंज होता है, मतलब −√7 + −2 रहेगा। ये माइनस से प्लस नहीं होगा, ये −2 − −2 ही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका तुम्हें देखना है कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये होगा, समझ में आया। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, क्या आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर में दोनों में माइनस साइन लगा हुआ है, √7 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो माइनस को ले लो कॉमन, कॉमन लेना, समझते हो ना, है ना। ये आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम। यस हाँ ये अच्छा, देखो ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, ऐसे लिख सकता था ना, मैं √7 − 2 को मैं ऐसे लिख सकता था, −2 + √7, है ना। √7 − 2 को मैं लिख सकता था −2 + √7, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, और फिर इसको क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा मैं यहाँ पर −2 − √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे ख्याल से इससे कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, अगर इस तरीके से लिख देते हो ना बच्चों तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो फिर कैलकुलेशन करने में, कि जैसे ही आपको √7 − 2 दिख जाए तो सबसे पहले तो इसको −2 + √7 लिख दो। ठीक है, और उसके बाद इसका कंजुगेट निकालो, तो कंजुगेट हो जाएगा −2 − √7, और −2 − √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। इसमें बस एक छोटी सी यही बात तो थी इंटरेस्टिंग। अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा −2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा −√7 + 2 और डेनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना, और −7, तो ना तो 5 होगा ना 9 होगा, ये कुछ और ही आ गया। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा −7 + 2/4 − 7 कितना हो जाएगा, −3, और माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा √7 + 2/3। अब डेनोमिनेटर जो भी आया है वो एक रैशनल नंबर है, तो हो गया, यही करना था।
तो देखा आपने कि इसमें बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। सर आगे समझ। ओके okay। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी का तो कर लिया, अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दिखता नहीं बराबर। क्या कह रहे हो? और बुक पे क्वेश्चन आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी, फिर से बोलो। सर बुक पे क्वेश्चन नहीं बराबर। लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। सर वो कह रहे कि बुक के क्वेश्चन नहीं करवाए। बुक के यस सर वो यही कह रहे। कौन से बुक के क्वेश्चन? कैल्विन वाली। हाँ कैल्विन वाली भी करेंगे। कैल्विन वाली तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, उसमें से कैल्विन वाली करोगे, लेकिन अभी पहले हम लोग कुछ और कर रहे हैं। हम लोग अभी करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से प्रैक्टिस करेंगे। यस देखो ये क्वेश्चन करो ट्राई, रैशनलाइजेशन से ही रिलेटेड है ये। यस सर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो पहले तो इसको रैशनलाइज करो, और रैशनलाइज करने के बाद कंपेयर करो। सर फर्स्ट वाली डिजिट में क्यूब है ना। क्या सर फर्स्ट वाला डिजिट में क्यूब रूट है ना ये। क्यूब रूट नहीं है, वो 3 टाइम्स रूट 2 है। 3 into √2, 3 into √2 है। क्यूब रूट ऐसा लिखा, क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये अलग है और ये सर अलग है। एक चीज पूछनी है बोलो। सर। इसमें तो सर दोनों है सर, रेशनल सर 3 भी है और सर √2 भी है सर। इसमें चेंज होंगे फिर टेन देखो के साइन। सुनो, ऐसे मेरी बात सुनो। जैसे मान लो 3√2 है और -2√3 है, तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो 3√2 + 2√3 हो जाएगा। हाँ साइन चेंज होगा खाली। सर हाँ बोलो। ऐसा सॉल्व करना है ना अभी। हाँ कि सॉल्व करना है इसको। सर अभी आपने तो बोला था सर कि रैशनल नंबर का सर साइन चेंज नहीं कर सकते, सर इधर कैसे हो रहा? तो मैंने कहा इसमें ये कहाँ किया है मैंने रैशनल नंबर का साइन चेंज? सर 2 का हो तो गया अरे कहाँ पर? माइनस थ्री तो सर इरेशनल है माइनस ना। 3√2 है ना ये रैशनल तो लगता है तुम्हें? किस एंगल से तुम्हें ये रैशनल लगता है? 3√2 किस एंगल से रैशनल लगता है? सर ये तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई हो गए ना, तो फिर सर वो तो पहले रेशनल माना जाएगा जब तक मल्टीप्लाई। ये दोनों इरेशनल है। इरेशनल नंबर है। यस बिल्कुल सही बात, दोनों इरेशनल है। 3√2 भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, ठीक है? ये भी इरेशनल है, ये उतना स्ट्रेट नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जैसे देखो ये वाला 4 - √7, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इरेशनल है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा √3 + 2, तो इसका इसका कंजुगेट क्या होगा? या √3 + 4, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 4 - √3, ठीक है? 4 का साइन, इसका साइन चेंज नहीं होता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर तो 3√2 है, 3√2 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। मैं 3√2 को क्या लिख सकता हूँ तुम्हें पता है? ये मैं √18 लिख सकता हूँ। और ये 2√3 को क्या लिख सकता हूँ पता है?
12 है ना। सो बेसिकली 3√2 − 2√3, 3√2 − 2√3 इज नथिंग बट दिस मच, ये वैल्यू ही है, यही, इसी को तुम 3√2 − 2√3 भी लिख सकते हो। √8 अब दिख रहा है कि अब ये रैशनल है, तो अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √18 + √12। सर आपने तो हिंट दे दिया। हिंट क्या दे दिया, वो तो बता ही दिया था, पहले ही बता दिया मैंने कि ये तुम्हें करना है। सर नहीं, √18 − √12। ओके, नहीं वो तो ठीक है, तुम्हें हिंट लग रहा हो, लेकिन जब तुम 3√2 का स्क्वायर करोगे, वैसे अगर रैशनलाइज करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 3 × √2 × √2, तो ये तो तुम ऐसे भी करके निकालोगे तो 18 ही आएगा, 3 3 = 9, मेरे को तो हिंदी लग रहा है। 9 2 = 18 आएगा। 3√2 का स्क्वायर तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ये मैंने करके दिखाया है, ये कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं, 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। थ्री रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, जैसे देखो, अच्छा 2√3 बताता हूँ, 2√3 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 2 × 2, 2 को 2 टाइम्स और √3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर का तो मतलब ही होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 बार किसको करेंगे मल्टीप्लाई भाई, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये √3 जो है इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 × 2 तो आपको पता ही है 4 होता है, और √3 × √3 भी आपको पता है क्या होता है, 3 होता है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 3 = 43, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो 2√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो कितना सिंपल है। ऐसे ही कुछ भी, थ्री रूट टू का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 × 3 × √2 × √2, ठीक है। तो 3 3 जा तो पता है ये सबको 9 होता है, और √2 × √2 2 होता है, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 30। 18। तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, अभी समझ में लगता है आया नहीं तुम लोगों को, तो एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यस देखो सबसे पहले इसमें ए निकालना है, तो इसके लिए पहले रैशनलाइज तुम्हें करना पड़ेगा। 6 upon में 3√2 − 2√3 जो है ये इक्वल दिया हुआ है 3√2 − a√3 के, तो इस बात को यस समझो, पहले तो तुम्हें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज सर करने ए का मतलब, टू आएगा। ओके अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। देखो 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा, यही तरीका है। इसके बाद स्टेप मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो न्यूमरेटर में देखो क्या क्या है, न्यूमरेटर में आपको दिखेगा ये वैल्यूज है, और 3√2 का स्क्वायर −2√3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये a − b और a+b आप देख पा रहे होंगे, तो a² − b² होता है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है जी। फिर देखो सिंपलीफाई करते जाओ, अब कैलकुलेशन करना है, इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो अभी आप, क्योंकि 3√2 आपको पता नहीं है, 2√3 भी पता नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। लेकिन डेनोमिनेटर में देखो 3√2 का स्क्वायर अभी बताया ना मैंने आपको कितना होता है, 18, और 2√3 का स्क्वायर भी निकाल के बताया था क्या होता है, 12। ट्वेल्व हाँ, तो फिर राइट हैंड साइड में जो था उसी को कॉपी कर देंगे। अब देखो डेनोमिनेटर में क्या आ गया, डेनोमिनेटर में क्या आ गया -6 है, -6 कहाँ है, जाएगा। ठीक है 6 है, तो 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा न्यूमरेटर में बेटा, 5√2 + 2√3, 5√2 नहीं 3√2, समझ में आ रहा है सबको ये। यस सर। सर सर यस सर, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया सर? सर यही समझ नहीं आया। तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं समझ में आया, तुम ये कह रहे हो। देखो रैशनलाइज तो अभी बताया था, तो रैशनलाइज समझ में आया था, यस सर। तो रैशनलाइज ही तो किया है बेटा, नंबर थोड़े बड़े कर दिए। तुम्हें अगर 2 + 3 ऐड करना आता है, और फिर मैं कहूँ कि 12 × 12 + 13 क्या होता है, तो समझ नहीं आया थोड़ा सोचो तो सही, वही किया है ना, रैशनलाइज ही तो किया है, ठीक है, रैशनलाइज ही किया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है,
बिकॉज ये रैशनलाइजेशन ही है, ठीक है? आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा सर समझने के लिए। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एफर्ट आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैं ओके कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बट तरीका यही है, ठीक है? और कोई तरीका है ही नहीं, मतलब आप कुछ भी कर लो, कोई आपको मीठी मीठी बातें झूठ बोल के कुछ भी कह देगा, लेकिन आप समझ तभी पाओगे जब आप खुद से एफर्ट लगाओगे, और कोई तरीका नहीं है आज तक के डेट में। तो देखो, 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई है। सर 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों जगह हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइज करने का तरीका ही यही होता है, देख पा रहे हो? सर हाँ जरा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थ्री बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्लियर? यस सर यस सर हाँ देखो, ये कई बार होती है, ऐसा इश्यू होता है कई बार कि नेटवर्क का इश्यू होता है ना, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना? आप इसके लिए ये है कि कभी कभार अगर मान लो स्किप हो जाए आवाज, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी एक बार देख सकते हो। तो बेटा देखो, सबसे पहला तरीका क्या है, आसान तरीका, कि इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं ये समझो, ठीक है? 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये a+b और a-b का नीचे देखो, डिनोमिनेटर में क्या बनता है, ये जो है, ये दोनों जो बन रहे हैं यहाँ पर, a+b और a-b जैसा लिखा हुआ है, तो a² - b² होता है, ये a² - b² होता है। और ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था ना, 3√2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 × 3 √2 × √2, तो वो 18 होता है। और 2√3 जो है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, 12 हो जाएगा, और 18 में से 12 माइनस करते हैं तो ये 6 आता है, और 6 से न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज तो है, और इसमें कुछ खास है ही नहीं, ठीक है? तो सुनो मेरी बात सुनो, अब जैसे देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, देखो मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, देखो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर ले रहा हूँ, कुछ भी मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, आप उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, ये क्या लिखा है मैंने, 14 - 6 कर दिया। अब थोड़ा सा सोचोगे, अच्छा कुछ नहीं, ये तो जोड़ा घटाया रूट लगा दिया है बस, कुछ नहीं खास किया है, ये कहोगे आप, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर भी है, मैंने कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर दिए हैं जिसमें आप इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं थे। आप खुद को इन्वॉल्व करो, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, देखो समझो इस चीज को कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेशंस की है मैंने, मेन जो बात है वो ये है कि मैंने रैशनलाइज किया है यहाँ पर बच्चों। तो रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ध्यान से आप देखो, वो आप खुद से भी समझ सकते हो कि कैलकुलेशन क्या होता है, a+b a-b, ये सारी चीजें। सो 6 6 जब ये लास्ट स्टेप में कैंसिल होगा, तो उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वो 3√2 + 2√3 बचेगा, और राइट हैंड साइड में तो स्टार्टिंग से ही यही कॉपी होता आ रहा है, 3√2 - a√3, 3√2 - a√3। राइट हैंड साइड में तो हमने छेड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, राइट हैंड साइड में तो जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग से ही सेम है। अब ये दो चीजें बराबर है, तो दोनों चीजें अगर बराबर है बच्चों, तो यहाँ से आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो कि 3√2 यहाँ भी है और 3√2 यहाँ भी है, देख सकते हो आप, है ना? कंपैरिजन हो रहा है बेटा, कंपैरिजन हो रहा है, तो ये जो है इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा। सर बट इसमें माइनस भी आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें सर ये कैसे आ गया 2। यस सर अरे तो बेटा मैंने क्वेश्चन अभी कंप्लीट कहाँ किया है, मैं तो क्वेश्चन पूरी बात सुनो तो सही, यही तो है, दिमाग तुमने लगाया है नहीं इसमें, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ इसमें। 3√2 यहाँ भी है, राइट हैंड साइड में भी 3√2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2√3 है, और राइट हैंड साइड में -a√3 है, तो सीधी सी बात यह है कि ये बराबर तो तब होगा ना जब 2 जो है वो -a के बराबर होगा। बराबर कब होगा ये भाई, कोई चीज बराबर कब होगा, 2 जो है वो -a के इक्वल होना चाहिए, तभी तो बराबर होंगे ना। तो a की वैल्यू क्या होगी, -2 के बराबर होगी। जब a -2 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में भी जब ए को तुम -2 ले लोगे, तो -2 × -1 बन के क्या हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। सो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। समझ में आया? और वैसे तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि -b ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, -b ये प्लस में है नंबर की माइनस वाला नंबर है, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? नेगेटिव देखो यही है ना। अगर तुम कैल्विन में, तुम लोग हाँ कैल्विन में तुम लोग रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, ये सारी जो धूल मिट्टी पड़ी हुई है ना, सारी मिट्टी कहना चाहिए, वो गायब हो जाएगा तुम्हारे इंटेलिजेंस से, जो भी धूल मिट्टी जमी हुई, एकदम शार्प हो जाओगे,
ये ना तो प्लस है ना माइनस है, ये कुछ भी हो सकता है। तुम बी को -1 ले लो, क्या हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू? तो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 1 तो पॉजिटिव नंबर है ना, यस सर, और बी को तुम ले लो 2, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी। बी को 2 ले लो -2 तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और बी को 0 ले लो तब क्या हो जाएगा? सर, जीरो जीरो हो ही जाएगा। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो ये माइनस बी जो है, जिस किसी बच्चे ने, कई बच्चों ने, सबने वो यही यस बोल रहा कि माइनस बी जो है नेगेटिव नंबर है। बिल्कुल नहीं, मैंने करके दिखा दिया तुम्हें। यस बी को तुम 1 ले लो, बी की वैल्यू 1 ले लोगे तो माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। बी की वैल्यू -2 ले लो तो माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव टू नंबर है। और बी की वैल्यू 0 ले लो तो क्या आ जाएगा? माइनस बी, 0 हो जाएगा। सो देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है। तो यही यही गलतफहमी तुम्हें यहाँ पर हो रही थी कि यहाँ पर तो 2√3 है, यहाँ पर तो -8√3 है, कैसे हो जाएगा? भाई सिंपल है, ए की वैल्यू -2 होगी, दैट्स इट। ए की वैल्यू -2 होगी तब तो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, यही सारी बात तो समझनी है हमें। मैथमेटिक्स में यही चीजें हैं, सारी चीजें आपको लॉजिकली सोचना है, यस चीजों को क्लियरली समझना है, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है ना, कि जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक सेंटेंस बोला, ठीक है। एक सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं डेली लाइफ में ना, हम ये कह देते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो अच्छा नहीं है। तो लोग क्या समझ लेते हैं जनरल डेली लाइफ में, मिस्टर एक्स अच्छा नहीं है, इसका मतलब समझ लेते हैं मिस्टर एक्स बुरा है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में मिस्टर एक्स अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर एक्स बुरा है। वो हो सकता है ना अच्छा हो ना बुरा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे इंटरप्रिटेशन डेली लाइफ से नहीं लेते हैं। तो माइनस बी जो है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी एक निगेटिव नंबर हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं होगा निगेटिव नंबर? क्योंकि तुम्हें बी के बारे में पता है कुछ कि बी क्या है? बी तो पता ही नहीं है। बी तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो तुम ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि माइनस बी जो है वो एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली यही है, लॉजिक है ना। लॉजिक होता है जिसमें कि आपको चीजों को एक्सप्लिसिटली समझना होता है, अच्छे तरीके से समझना होता है, बिना किसी बायस के। तो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, रैशनलाइज कैसे करते हैं और फिर उसके बाद कंपेयर कैसे करते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, दे रहा हूँ क्वेश्चन। थोड़ा डिफरेंट है ये। फाइंड ए,
इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो पहले आपको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो अभी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आप फेस करोगे ही, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्विट कर देते हैं इस तरीके से, घबराना नहीं है, फाइट करना है, लड़ना है क्वेश्चन के साथ, तभी जाके आप स्ट्रांग हो पाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो पाएगी। सर डिनोमिनेटर तो सर रेशनल नंबर आ गया। ओके okay। देखो ये स्टेप समझ में आया सबको यहां तक, क्या मैंने किया है, क्या किया मैंने बेटा, पहले तो इसको रैशनलाइज रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है उससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज 7 - 4√3 जो है इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर या कंजुगेट पेयर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 + 4√3 का कंजुगेट पेयर क्या होगा, 7 - 4√3 होगा, या 7 + 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 - 4√3 होगा। इसके बाद अब आती है बात कि इन दोनों को न्यूमरेटर में जो दो चीजें हैं, दो नंबर्स हैं, क्या हैं दो नंबर्स बच्चों, 5 + 2√3 और दूसरा नंबर है 7 - 4√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समझो बात को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जैसे इन दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका ये होता है कि पहले तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 से 7 - 4√3 को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद +2√3 है तो +2√3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो 5 से 7 - 4√3 को मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हो आप, और फिर उसके बाद 2√3 से दोनों को 7 - 4√3 को मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ में आया सबको। उसके बाद डेनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 7 + 4√3 है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आप सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आई होप ठीक है। इसके बाद स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद का स्टेप, अब देखो मल्टीप्लाई जब करोगे आप इसमें तो 5 को 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे किया जाएगा, 5 को पहले 7 से करेंगे 35 आएगा, फिर उसके बाद 5 को 4√3 से करेंगे और माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 को -4√3 से करना है, 5 को -4√3 से क्या आएगा मल्टीप्लाई करके बोलो, 1 के रूट अंडर रूट 20। -20√3 है ना, 5 को 4 से करेंगे, 5 4 = 20 और √3, तो 20√3। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आप देख सकते हो, ठीक है ओके। फिर इसके बाद 2√3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2√3 को 7 से क्या आएगा, 2√3 को 7 से करेंगे तो 2√3, 14√3 वेरी गुड 2√3, और फिर 2√3 को -4√3 से करना है, 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा बेटा, यहाँ कई बच्चे अटक जाते हैं, यहाँ पर कई बच्चे अटक जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलो। -8√3 नहीं, -7√3
नहीं माइनस सिक्स एंड रूट टू, नहीं टू रूट थ्री को फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई, यस 24। देखा प्रॉब्लम क्या है, मैं मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ आके अटक गए, तुम्हें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बच्चे यही अटक जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, टू रूट थ्री को अगर फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो फोर टू जा कितना होता है, फोर टू जा कितना होता है एट, और रूट थ्री कितना होगा थ्री, कितना आ जाएगा 24। लेकिन फोर यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा। अब बात करते हैं डेनोमिनेटर की। तो डेनोमिनेटर में क्या है, देखो सेवन का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, सर 12 कई बच्चे इसमें अटक, 144 -36 देखो यही फिर से कितना होता है, अभी फिर से गलत बोला, दो बच्चों ने गलत बोल दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तुम्हें, मल्टीप्लाई करना था फिर से गलत, That's 48 16 into 3 सर -36 That's 16 into 3 ये कोई बोलने का तरीका होता है, 16 into 3 आंसर बोलोगे ना भाई, 16 into 3 48 होता है, बोलोगे ना 140 140 कहाँ से हो जाएगा, फोर फोर जा कितना होता है, फोर फोर जा कितना होता है, अरे इतनी बार तो मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने अभी, फोर फोर जा कितना होता है 16, और रूट थ्री कितना होता है थ्री, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं थ्री, तो 16 थ्री जा कितना होता है 48। ठीक है 48 होगा, ये 48 होगा, ऐसे क्वेश्चन तो कई बार करके दिखाया था मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, फोर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, टू रूट ये थ्री सर का आपने स्क्वायर क्या पिछली होता है, बहुत अच्छी करके क्लासेस में कर रखा है। थ्री रूट फाइव का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, थ्री इन थ्री रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, थ्री को थ्री से करेंगे मल्टीप्लाई तो नाइन आएगा, और रूट फाइव को रूट फाइव से करेंगे तो फाइव आएगा, तो नाइन फाइव जा 45 हो भाई जाएगा, अभी भी किया था थोड़ी देर पहले। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं कि ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लाई करना तुम्हें नहीं आता है, इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये समझना है कि सभी पे वर्क करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से देखो सभी बच्चे। और राइट हैंड साइड में तो बेटा यही कॉपी होता आ रहा है, राइट हैंड साइड में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जैसा है वैसे ही लिखते जा रहे हैं, अभी उसका काम जो होगा वो एंड में आएगा। अब देखो ध्यान से, अब कहोगे नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो 34 में से 35 में से 24 को माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 35 में से 24 माइनस होगा क्योंकि ये दोनों लाइक नंबर्स हैं, नंबर में से ये जो नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को तो माइनस कर ही सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा 11 आएगा। फिर ये रूट थ्री वाले नंबर्स हैं, ये रूट थ्री वाले नंबर्स हैं, मतलब ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 रूट थ्री। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा वन, और राइट हैंड साइड में तो वही है, मेरा ब्लैंक अब देखो शो हो रही है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, यही आंसर है। कंपैरिजन तो करना है, इधर भी -6√3 है, राइट हैंड साइड में भी -6√3 है, इधर भी ए है तो यहाँ पर 11 है, इसका मतलब ए जो है वो 11 हो जाना चाहिए, या ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि -6√3 जो राइट साइड में जाएगा तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 11 आ जाएगी। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, आया समझ में सबको? यस सर, यस यस सर, यस सर, ओके। सिमिलर क्वेश्चन है ये, देखो सर, ये तो सर पहले वाले क्वेश्चन है, सर पहला वाला क्वेश्चन दे दिया,
सॉल्व करेंगे। दो मिनट का टाइम है, 2 मिनट में करो जल्दी जल्दी। रसमलाइज किया बच्चों? हाँ सर कर रहे हैं अभी। यस सर। बी की वैल्यू 5 आ रही है। ओके बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो, देखते हैं आंसर क्या आता है। सर बी की वैल्यू 5 आ रही है। ओके दो बच्चों ने आंसर बता दिया है। प्रोसेस तो सेम ही होगा बेटा, रैशनलाइज करना होगा इसको। √2 + √3 है, और डिनोमिनेटर में 3√2 - 2√3 है, तो इसको हमें 3√2 + 2√3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि 3√2 - 2√3 जो ये है, इसका कंजुगेट पेयर या फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर यही है, 3√2 + 2√3। फिर अब क्या करा जाएगा? फिर अब √3 से जब मल्टीप्लाई करना होता है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है कि पहले तो आप √2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, फिर √3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो।
ना। तो पहले तो रूट टू से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3√2 + 2√3 को, और फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3√2 + 2√3 को, और डिवाइडेड सर बाय आपकी वॉइस सब बहुत धीरे आ रही है। फिर 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये आ यस जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, रूट टू सर से पहले तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को, और फिर उसके बाद √3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है इसको। और अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, देखो √2 से, ये देखो ध्यान से देखो, √2 से 3√2 को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, √2 से √3, 3√2 को, सर यस 6 हो जाएगा, और फिर √2 से 2√3 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, √2 से 2√3 को मल्टीप्लाई करना है, यस 2√6 होगा, ठीक है, क्योंकि √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा, और 2 है तो 2√6 हो जाएगा, वेरी गुड, सर 2√6। फिर देखो ये देखो, √3 से 3√2 को मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आएगा, और फिर √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है, देखो √3 को कितना हो जाएगा, ये सिक्स थ्री थ्री हो जाएगा, 6, यस 2 × 3, क्योंकि √3 √3 कितना होता है, 3। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो बेटा, किसी के माइक से ना बहुत आवाज आती है उसमें ना, बहुत इरिटेटिंग आवाज आती है, ऐसा होता है कि मतलब मैं फिर बोल नहीं पाऊंगा, सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ऐसा किसी की माइक से आवाज आती है। कौन है पता नहीं। √3 × √3 कितना होगा, 3, और √2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया, ओके। और फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, 3√2 का स्क्वायर, तो आपको पता है 3√2 का स्क्वायर कितना होता है, 3√2 × 3√2 क्या होगा बेटा, बोलो, 18 18 9 2, यस, और 2√3 कितना होता है, -12 12, सर 12 यस, और राइट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा 2 − b√6। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, अब नीचे कितना जाएगा, देखो ये 6 और 6 कितना है, 12, लाइक टर्म्स है, 6 और 6 को ऐड करके हम 12 लिख सकते हैं, और 2√6 और 3√6 को भी ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा, 5√6 5√6, वेरी गुड, तुम्हारी ही माइक में प्रॉब्लम है, बहुत ही अजीब सी आवाज आती है, अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 − b√6, ओके। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चंस में क्या होता था कि न्यूमरेटर में ना कॉमन आ जाता था, वो 6 रहता था, 6 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता था, ये 6 जो डिनोमिनेटर में होता था वो कैंसिल हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनो सभी, अभी बच्चों आगे भी आपको काम आएगा ये जो लिखी हुई है ना वैल्यू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अलग अलग कर दिया फ्रैक्शन को ना, अलग अलग कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, समझ में आया, यस सर 12 अपॉन में 6 और सर 5√6 अपॉन में 6 ऐसे लिखा जा सकता है, इस चीज को हम, ये जो एक कॉम्पैक्ट फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना, जैसे मान लो कि 2 बाई 4 है, सॉरी 3 बाई 4 है और 5 बाई 4 है, तो तुम इसको कैसे 8 बाई 4 लिखते हो ना, 3 + 5/4, तो वैसे ही 8/5 को, 8/4 को हम 3/4 + 5/4 लिख सकते हैं, मतलब ये 12 + 5√6/6 को हम 12/6 + 5√6/6 लिख सकते हैं, अलग अलग करके फ्रैक्शन को ब्रेक करके दो अलग अलग फ्रैक्शन में लिख यस सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, 12/6 हमें पता है क्या होता है, क्या होता है 2, और ये जो है ना 5√6 अपॉन में 6, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अब यहां से तुम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, या तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, या राइट हैंड साइड में जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो बी, और ये तब क्या बचेगा, 5√6 √6, 5/6 √6 इज इक्वल टू -b√6, अब ये √6 से √6 भी कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5/6, 5/6 माइनस बी के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल होगा, -5/6 यस यही आंसर है, बी की वैल्यू जो है -5/6 ही आंसर है, आया समझ में सबको, यस सर यस सर हम्म।
अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कर, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा दिमाग फालतू का नहीं लगाया, कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन करने के बाद बस कंपेयर होगा, कंपैरिजन होगा, या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर √6 से √6 भी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद बी की वैल्यू आ जाएगी -5/6। सो आपको अगर देखो समझ में अगर आपको नहीं आया है बेटा, आप कोई बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे डेफिनेटली, कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, सो उनको ना कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, है ना, तो वो चीज मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो आपको खुद ही पता है, बस आप खुद से एक बार ट्राई करो तो आपको खुद ही आ जाएगा। क्योंकि नहीं समझ में आने का रीजन यहाँ क्या है कि या तो आपको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, या एडिशन में प्रॉब्लम है, या सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम है, तो वो आप खुद से ही कर सकते हो, खुद से ही समझ सकते हो, मुझे समझाने की उसमें जरूरत नहीं है। एक बार खुद से आप ट्राई कर लेना या रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, और रिकॉर्डेड वीडियो देखने से पहले ना एक बार खुद से ट्राई करना, रिकॉर्डेड वीडियो भी देखने का कोई फायदा नहीं होगा, आप खुद से एक बार पहले ट्राई करना और फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखना, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके सर। सर बोलो बोलो। सर वहाँ पे 12/6 था और वो प्लस में था, तो सर वो कैसे कट गया? बताओ कैसे कट गया? देखो सर ये तो प्लस में है ना, प्लस हो रहा है कौन प्लस हो रहा है? सर 12/6 प्लस 5√6 अपॉन में 6, ठीक है, तो सर ये काट के 2 क्यों लिख दिया? 12/6 कितना होता है? 12/6 कितना होता सर? है? टू टू हाँ फिर तो सर प्लस हो रहा है ना, इस वजह से पूछा है। अरे तो ये मैंने ये किसको किससे काटा ये तो देखो ना, ये 2 इधर है सर, और ये 2 इधर है, वो तो समझ आ रहा है। हाँ सर वो तो समझ आ रहा है, हाँ प्लस हो रहा है ना ये सर, उससे 5√6 √6 अपॉन में 6 से, तो सर ऐसे काट सकते हैं ये पूछा ऐसे? है। नहीं 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 ऐसे काट नहीं सकते हैं, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर ये ऐसे कुछ सर लिखा वही हुआ डाउट। है, अगर ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है तो तुम इसको यहाँ से काट रहे हो, इसका मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज समझते हो, ट्रांसपोज करना या लेफ्ट से राइट में ले जाना, ऐसे समझते हो कुछ? यस हाँ तो वही किया ना, इसको मैं 2 को जो ये लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले जाऊंगा, तो ये 2 जो यहाँ पर प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ये 2 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, -2 नहीं हो जाएगा? हाँ माइनस होगा माइनस होगा, तो माइनस से, और ये 2 प्लस है राइट साइड में, ये तो उसके साथ कैंसिल नहीं होगा, होगा सर। वही कर रखा है। वही कर रखा है, वही कर रखा है बच्चे, ये -2, ये 2 जो राइट साइड साइड में जाएगा ना, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इस 2 के साथ दूसरे वाले 2 के साथ कैंसल हो जाएगा। सर 2 का नहीं पूछा था मैंने, ऊपर वाले फ्रैक्शन का पूछा था, कटा है जो आपने काट के 2 लिखा है ये वाला, जो ये प्लस हो रहा है दूसरे वाले के साथ। ये तो 12/6 को हम 2 लिख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हम फ्रैक्शन को पहले ये समझो, सर ये समझो कि फ्रैक्शन ये को हम प्लस अलग हो रहा अलग, था। हाँ फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये समझ में आया? यस सर। यस हाँ तो ठीक है ना, फिर तब उसके बाद ये सेपरेट है, ये एक सेपरेट वैल्यू है 12/6, और 5√6/6 एक सेपरेट वैल्यू है, ठीक है? सर। हाँ तो 12/6 को हम 2 लिख सकते हैं, सेपरेट करके काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं? तुम ऐसे सोचते हो ना, इस तरीके से तुम सोचते हो कि जैसे यहाँ पर 4 है और +2√6 है और अपॉन में 2 है, या छोड़ो ऐसे ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पर तुम ऐसे नहीं काट सकते हो, ठीक है, इस तरीके से नहीं काट सकते हो, लेकिन तुम जब इसको 4/2 +√6/2 लिखोगे तब तुम इसको तो काट ही सकते हो, 2 + √6/2 होगा, अलग अलग हो गया ना ये। सर सेपरेट करके काटना होता है मतलब।
सेपरेट करके कैंसिल कर सकते हैं, सेपरेट करके, ये सेपरेट हो गया ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, अभी यहाँ पर नहीं काट सकते थे इसमें, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ क्लब हो रखा था, 12 + 5√6 अलग, एक अलग मतलब एक साथ था, ऐड करना करके रखा हुआ था, वहां पर हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं। अरे माइक बंद करो सभी बच्चे, माइक तुम लोगों की बहुत ही इरिटेटिंग है, माइक ना, माइक तुम लोगों की इतनी इरिटेटिंग है कि मेरे सिर दर्द हो गया अभी, पता नहीं कहाँ से आवाजें आ रही हैं, तुम लोग बोलते हो वो कम सुनाई देता है और उसके अंदर से इको इतना ज्यादा होता है कि मतलब सिर में दर्द हो गया मेरे। या तो तुम लोग एक वो माइक्रोफोन लगा के जो है ना बात किया करो, कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग साउंड आते हैं इसके अंदर से। क्वेश्चन दिया था मैंने अभी कि नहीं दिया था? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो एक मिनट। आई थिंक ये सही, एक मिनट रुक जाओ, दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये देखो, ये देखने से लग रहा है थोड़ा टफ है, बट ये है नहीं उतना टफ। एक ही वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, और ये निकालने के लिए a-1/a निकालने के लिए तुम्हें एक ही वैल्यू तो पहले से ही पता है, 2 + √3 है। अच्छा 1/a निकालो, 1/a क्या होगा वो वैल्यू निकालो, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो a में से। तो ये क्वेश्चन करो तो सभी बच्चे, सर आपके स्क्रीन ब्लैक हो गई। सर शायद 1√1.5 हो सकता है। ओके देखते हैं अभी।
सर थ्री नहीं, थ्री नहीं आंसर। ए तो देखो तुम्हें पता ही है, इसमें ए की वैल्यू 2+√3 है ही, और ए माइनस 1/a निकालने के लिए इसमें हमें ए तो पता है तो 1/a निकालना पड़ेगा। तो 1/a क्या होगा भाई, जब ए बेटा 2+√3 है तो 1/a क्या होगा, 1/2+√3 सर 2√3। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2+√3 हो जाएगा 1/a। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 2 -√3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, 2 -√3 बन गया। सो एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2+√3 है ए, तो 1/a क्या आ गया, 2 -√3। ए है 2+√3 तो 1/a क्या होगा, 2 -√3। ठीक है, अब हमें a माइनस 1/a निकालना है, तो a की जगह पे जो वैल्यू है a की क्या वैल्यू है, 2+√3 रख देंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, और 1/a, 1/a कितना है बेटा, 1/a देखो कितना निकाला है आपने, 2 -√3। यस, तो 2 -√3 रख देंगे। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का तो -2 बन जाएगा, और माइनस प्लस होकर के √3 हो जाएगा, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, और √3 √3 कितना आएगा बच्चों, सर 0, 2√3। √3 + √3 कितना होगा, 2√3। ठीक है, यही आंसर है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, a माइनस 1/a कितना होगा बेटा, 2√3, 2√3, 2 × √3, यही आपका आंसर है। समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन, नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो खुद से ही करना पड़ेगा आपको ना, कैलकुलेशन कैलकुलेट तो खुद से ही करोगे ना आप, वो मैं थोड़ी सिखाऊंगा कैसे ऐड करना होता है, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो देख लो आप, तरीका यही है कि 1/a पहले निकालना है आपको, तो a जो दिया हुआ है उसको 1/a के लिए 1/2+√3 लिख दो, फिर उसके बाद रैशनलाइज कर दो, और रैशनलाइज करने के बाद वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करने के बाद ये आ जाएगा 2 -√3। फिर जो a था उसमें से 1/a जो निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए आपको, सब्ट्रैक्ट करोगे तो √3 + √3 बच जाएगा, तो √3 + √3 2√3 होता है। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेना जिसको समझ में ना आया हो। अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, करो इसको।
कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। एट्टी क्या आया आंसर? 46। 87 अपॉन में 36 57/36। ओके ट्राई करते हैं, देखते पर 87 87 हैं। 87। 87 अपॉन 36 ओके ओके। और किसी बच्चे ने किया आंसर इसका निकाला? करो समझ निकल रहे हैं। सर समझ नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। नहीं, ये जो तुमने कह दिया ना बेटा, ये इससे ना मैं बड़ा हर्ट हो जाता हूँ। समझ नहीं आया मतलब कुछ 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 तो ऐसा होगा ना जिसमें कुछ तुम्हें कोई एक स्टेप नहीं समझ में आ रहा होगा। ये तो कह रहे हैं समझ नहीं आया, मतलब क्या नहीं समझ में आया इसमें? कोई इससे कोई अलग क्वेश्चन तो है नहीं जो पिछले क्वेश्चन किया था मतलब उसमें। मेरा सर प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा। हाँ ये तुमने सही बोला, अब मैं खुश हूँ। ठीक है, ये आंसर नहीं आया दैट इज डिफरेंट थिंग। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको क्या क्या सुना दिया कि हमारा देश जो है भारत है, इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद है, मैंने बता दिया। नहीं समझ नहीं आया सर। अरे बेटा कुछ कुछ इसमें स्पेशल बताया नहीं मैंने, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ये मत बोला करो, ये कहो आंसर नहीं निकल के आ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, नहीं तो मैं तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाऊंगा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आंसर नहीं आ रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग। देखो क्या करेंगे, वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 3 + √5/2 है, 3 + √5/2 है ए की वैल्यू। तो हमें जो फाइंड करना है बच्चे, वो क्या फाइंड करना है? a² + 1/a². ठीक है, a² + 1/a² फाइंड करना है ना। तो ए तो दे ही रखा है इसने, तो ए का स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे। अब बात आती है 1/a कैसे निकलेगा। तो 1/a जो है उसके लिए हमें a दिया हुआ है, तो 1/a तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हुआ ना, रेसिप्रोकल समझते हो ना, उल्टा कर देना। a अगर 3 + √5/2 है तो 1/a क्या होगा? 2/3 + √5, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यही तो होता है 1/a का मतलब, क्या रेसिप्रोकल कर देना। जैसे a की वैल्यू मान लो 2 है, तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, पता ही है आपको। रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/1 है, a की वैल्यू 2/1 है, तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर किया है बच्चे, ध्यान से देखो, 2/3 + √5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। इसके बाद हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज भी कर दिया। रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता ही है, 3 - √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आपको पता है a + b, a - b का फॉर्मूला लगा के, आइडेंटिटी लगा के ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 कितना आ जाएगा? 3 - √5/2। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चे, ये किसकी वैल्यू आई है? 1/8 ये 1/a आ गया। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, या यहां तक में भी किसी को इश्यू है तो बताओ। यस सर आ गए यहाँ तक। यस सर किसी को डाउट है यहां तक? है कोई बच्चा जिसको डाउट हो? कोई तो बोलो, नो किसी को डाउट नो है? सर ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, अब हम कुछ और, अब बात करते हैं हम आगे के कैलकुलेशन की।
हमें जो फाइंड करना है ना वो है ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। तो ए क्या है, मत भूलो कि ए है थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू का, है ना, थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू है, ए है थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू। तो भाई इसी का तो स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू का स्क्वायर करेंगे। और वन बाई ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वन बाई ए स्क्वायर का मतलब हुआ वन बाई ए का स्क्वायर करना, वन बाई ए स्क्वायर का मतलब हुआ वन बाई ए का स्क्वायर करना। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो वन बाई ए क्या है, वन बाई ए दिख रहा है क्या है? यस सर। यस सर। समझ में आया सबको, ये यही तो निकालना है, अब हमें यही निकालना है। ये जो आपको दिख रहा होगा पिंक कलर में, ये जो पिंक कलर के अंदर दिख रहा है, ये वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है बेटा, यही वैल्यू आपको निकाल के दिखाना है पिंक कलर के अंदर जो दिख रहा है आपको। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कैलकुलेशन से, मतलब कैलकुलेशन का मतलब इसको अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट का मतलब क्या भाई, स्क्वायर स्क्वायर करो, कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी यूज करो और सॉल्व करो। तो थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर अपॉन में टू का स्क्वायर है ना, अपॉन में टू का स्क्वायर है। बेटा देखो, सबसे पहले इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, समझ में आया किसी को कि नहीं आया, ऐसे लिख सकते हो? यस सर। वेरी गुड। एलसीएम फोर आ जाएगा जी, एलसीएम दोनों का तो फोर ही है ना, तो एलसीएम फोर आ जाएगा। यस सर। फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा अगला स्टेप। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ के बाद आपको नेचुरली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अब a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। थ्री हमारा a है और रूट फाइव हमारा b है, और थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। मतलब थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू रूट फाइव मल्टीप्लाई करेंगे सबको, यही तो होती है, और रूट फाइव का स्क्वायर। समझो बात को, ये हो जाएगा, ये थ्री प्लस रूट फाइव का जो स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से आइडेंटिटी से इसको ब्रेक कर देंगे। और ऐसे ही थ्री माइनस रूट फाइव के स्क्वायर को भी ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ब्रेक कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर होता है, ये रहा। और डेनोमिनेटर में क्या है बेटा, फोर। अब देखो मुझे यहाँ पे इसके आगे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे तो जोड़ना घटाना है ना बेटा, तो वो चीज मैं थोड़ी बताऊंगा तुम्हें, वो तो तुम्हें खुद से ही करना है। लो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ तुम्हें, समझ में समझाना इतना था मुझे कि यहाँ तक ये करना है, आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, वो तो आप खुद ही कर लोगे ना कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में देख लो कहाँ, हाँ बच्चे क्या कहते हैं, कैलकुलेशन नहीं आया समझ में, अरे कैलकुलेशन मैं थोड़ी समझाऊंगा तुम्हें, स्पून फीडिंग थोड़ी करनी है, ठीक है, आप खुद भी तो दिमाग लगाओगे ना अपना। तो कैलकुलेशन की जहां तक बात आएगी तो वो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये मत कहना कि समझ में नहीं आया कैलकुलेशन, आप खुद ही जानते हो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 3 इंटू टू सिक्स, सिक्स रूट फाइव हो जाएगा, फिर रूट फाइव का स्क्वायर 5 होता है, फिर 9 होगा माइनस 6 रूट फाइव होगा, प्लस रूट फाइव का स्क्वायर 5 होगा, नीचे 4 आएगा, ये 6 रूट फाइव से 6 रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आएगा 9 5 14, 14 2 जा 28, 28 बाई 4 जो कि 7 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही आंसर है, 7 आंसर हो जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से तो ये 7 के इक्वल आ जाएगा, यही आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा। नहीं बिल्कुल नहीं सर, देखो फिर कहा ना मैंने समझा दो, फिर से समझा, अरे क्या समझाऊं, क्या जोड़ना घटाना थोड़ी समझाऊंगा मैं तुम्हें कि 9 प्लस 9 18 होता है, 18 प्लस 5 23 होता है। अगली बार उसके ऊपर जो स्टेप है, उसके ऊपर जो स्टेप है वो है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मैं तुम्हें थोड़ी समझाऊंगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है, 6 रूट 5, ये क्या समझाने की चीज होती है। देखो तुम तरक्की करना चाहते हो लाइफ में कि नहीं करना चाहते हो, पहले ये डिसाइड करो। अगर तरक्की करना चाहते हो, एक स्मार्ट बनना चाहते हो, एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हो, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस तुम अपनी इवॉल्व करना चाहते हो, अच्छे थिंकर बनना चाहते हो, जल्दी जल्दी सोचना चाहते हो, तो ये जो है ना कि एक बार फिर से समझा दो, ये बहुत ही डेंजरस पॉइजनस डायलॉग है, क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी अच्छा बच्चा होता है वो खुद से पहले एफर्ट लगाता है, ठीक है। अब तुम्हें लगा कि टाइम पास, ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा है ना, बचना नहीं बताना चाह रहा होगा ना, इसलिए टाइम पास करके ऐसे भाषण दे रहा है, बचना चाहता है, नहीं एक्सप्लेन करना चाहता है, ये बात उसकी नहीं है। अब मेरा एक्सप्लेन करने में क्या जाता है, मैं बता दूंगा, लो ऐसे करके बताता रहूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा पूरे 1.5 घंटे में, हाँ लो ये देखो, थ्री प्लस रूट फाइव का स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, हमारा ए यहाँ पर थ्री है, बी यहाँ पर रूट फाइव है,
ए क्या है बेटा, √3 है, बी क्या है, √5 है, यही कर करके मैं 1.5 घंटा बिता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी कभी जिंदगी में डेवलप नहीं होगी, और तुमने अब तक जो सीखा है ना वो ऐसे ही सीख रखा है, ठीक है। तो उससे तुम्हें बाहर निकलना है, तुम्हें इवॉल्व करना है अपने आप को, तो उसके लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट मुझसे बिल्कुल मत पूछो, है ना। अरे आप एक नए सिस्टम में आए हो, आप एक ठीक नए सिस्टम में आए हो तो नए सिस्टम में नई चीजें सीखनी है आपको, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा है वो, जो चीज अच्छा है आपके लिए मैं वही बता रहा हूँ, और उसी से आप स्ट्रांग बनो, है, मजबूत बनोगे, ठीक है। मुझे थोड़ा इरिटेटिंग खुद ही लग रहा है, क्योंकि ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, ना कुछ समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसी फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ऑनलाइन में, लेकिन जो अच्छा अच्छा है मैं वही आपके लिए कह रहा हूँ, कि आपके भले के लिए कह रहा हूँ, कि आपकी थिंकिंग इवॉल्व हो। तो उसके लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा खुद से करो, ठीक है। और ये मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपको आदत पड़ जाए इस चीज की, कि आगे से ना आप मुझसे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट ना पूछो कि ये कैलकुलेशन कैसे कर दिया, नहीं आया समझ में। बेटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो आपको खुद से करना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपको खुद पता होना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से एफर्ट लगाओ कि 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, 3 × 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 होता है, 9 है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने अभी पूछा था खाली उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं सबके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से करना, ठीक है। और हाँ, कंसेप्चुअली चीज जो थी वो यहाँ तक थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ओके सर, ये चीज मेरा काम था करना, बाकी कैलकुलेशन आपका काम था करना। एक बार बेटा फिर से जिसको नहीं आया ना समझ में, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, और रिकॉर्डेड वीडियो देखने से पहले आप खुद से एक बार एफर्ट लगा लेना, तब जाकर रिकॉर्डेड वीडियो देखना तो आपको समझ में 100% आएगा। हाँ, और माइंड मत ओके करना सर, इन सब चीजों का, ये कि भाई मुझे मुझे ही लेक्चर सुना है, मैं सबके लिए बोल रहा था, ये जो 12-13 बच्चे हैं इस क्लास में, मैं ये सबके लिए बोल रहा था कि कैलकुलेशन में मेरे से डाउट मत पूछो कि नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, नहीं समझ में आया कैलकुलेशन करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है कि 3 स्क्वायर 9 होता है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि 3 स्क्वायर 9 होता है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा अभी हम लोगों ने किया है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी टाइम हो चुका है, ओवर, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय। कई ओके सर, बच्चों के घर बाय सर, जा भी ओके सर, चुके थैंक यू सर। हैं ओके बच्चों, बाय।